हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं कहीं जाने के लिए रेडी हुई हूँ। ये देखिए, मैंने गाउन पहना है और मैंने एक दुपट्टा लगाया है मल्टी कलर का। और पता है आज मैंने ग्रीन क्यों पहना है? क्योंकि मैं जा रही हूँ किसी की मेहंदी में। तो किसकी मेहंदी में जा रही हूँ? चलिए मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ और फ्रेंड बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ जरूर चलिए और वहाँ हम लोग जाके धूम मजा लेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने बता नहीं पाई आप लोगों को मैं किसकी मेहंदी में जा रही हूँ। तो मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहती फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ सबा की मेहंदी में और आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ फ्रेंड्स। और उसके आने के बाद फिर आप लोग बात उसके दिल की बात जानना चाहते हैं कि उसे कैसा लग रहा है। क्यों नहीं? दुल्हन कुछ नहीं, दुल्हन स्पीचलेस है। ऐसे तो बोलूंगी तो बहुत सारा बोलती रहूंगी और अभी नहीं समझ में आ रहा कैसे बोलूं। वैसे ही बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मतलब शादी की फीलिंग हटा के ये जो आपने सबने डेकोरेशन कराया है, जो ये फील दिया है मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, ये मतलब जितना टूबी थी और वो सब आप लोगों की मीटिंग्स में देखा था, ये था वो था, ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या है। मतलब कुछ अलग ही, मतलब अनएक्सपेक्टेड, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शादी का भी सभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल शादी है। अभी लग रहा है सच में कोई मेले में आई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। बस आप मेहंदी लगाने में थोड़ा सा आलस आ रहा है। मैं तो शॉर्ट एंजॉय कर रही में बहुत बड़ी बात है। तो तुमको भी थैंक यू और इन सब की जो गाइड है, टीचर है, वो तो बहुत ही नहीं, क्योंकि इन लोगों के मन में जो भी चीजें आती है वो तो सिर्फ बच्चों के दिल
में रह जाती है वो फिर भाभी के पास जाके शेयर करना, और इतने बिजी शेड्यूल में भाभी ये करके उसके बाद भी बच्चों को प्रॉपर टाइम देना, क्योंकि बीच बीच में जा रहे थे भाभी से ये शेयर करिए, बात इसी तरह सलामत रहो, इसी तरह हंसती खेलती रहो और हम सबका ख्याल रखती रहो। आई लव यू। फ्रेंड कितना एंजॉय किया हम लोगों ने, और आप लोगों ने भी कितना एंजॉय किया फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी सबा, अल्लाह उसकी नजर ना लगे किसी को। सॉरी मैं थोड़ा बोलने में लड़खड़ा रही हूँ क्योंकि अभी वहां से एंजॉय करके जो आई हूँ फ्रेंड। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और आप लोग भर भर के सबा को ब्लेसिंग दीजिएगा। बाय, गुड नाइट।